ऐसा लगा था कि ईशा की वजह से आपको निकलना पड़ा? नहीं, कभी नहीं लगा था और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि क्लियरली बिग बॉस ने बोला था रूल ब्रेकिंग के आधार पर आपको करना है, बट ईशा ने अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाली तो उसने एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो ठीक है उसका डिसीजन है, मैं क्या ही बोलूँ, अनफेयर था, डेफिनेटली अनफेयर है। बस स्टार्टिंग में ईशा ने बहुत अच्छी दोस्ती आपके साथ निभाई एंड बाद में उसने चीट भी दिया आपको। यस, यही एक धोखेबाज इंसान की निशानी है, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि किसने किसको धोखा दिया, तो हाँ ईशा इज़ लाइक दैट। विक्की अंकिता आपके सबसे बड़े दुश्मन रहे घर में, लेकिन आपको कई बार अंकिता ने आगे से आकर नॉर्मल भी बात की, तो इस बारे में क्या बोलोगे आप? अंकिता अपने फ़ायदे के लिए ही बात करती थी, क्योंकि एज बिग बॉस सेट के नंबर गेम खेला जा रहा है विक्की की तरफ से और अंकिता की तरफ से भी सेम ही, क्योंकि वो पति के कहने पर ही तो चलती है, उनका खुद का कोई गेम नहीं है, क्योंकि अंकिता विक्की ने उनको बोला था कि आप दूसरे लोगों से जाके बात करो, ये करो, ताकि हमको आगे जाने में हमारा एम क्लियर हो, तो यही बात है। अंकिता अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती करती थी किसी से। अभिषेक पहले विक्की अंकिता के ग्रुप में थे, लेकिन अचानक आप लोग के पास आके रहने लगे, तो क्या वो किसी के सच्चे दोस्त बन पाएंगे? अचानक तो नहीं रहने लगे ऑनेस्टली अभिषेक, और अभिषेक का बॉन्ड हमेशा से नील के साथ था, नील के साथ उसका इतना पंगा हुआ नहीं कभी, उसको मुझसे प्रॉब्लम थी, मेरे साथ झगड़ा हुआ, बट नील से हमेशा से वो क्लोज ही रहा है, तो और अभिषेक ने हमेशा बोला है कि नील भाई मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े भाई जैसे उसको फीलिंग आती है नील से, तो हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अभिषेक का झगड़ा उनसे हुआ था हमारे पास आके, वैसे तो मैं भी बात ही नहीं करती थी अभिषेक से, पर धीरे धीरे करके ऑर्गेनिकली सॉल्व होगी चीज़ें, तो वी आर नॉट लाइक अंकिता विक्की के इधर का होकर हम जाके बैठ जाएंगे किसी के भी साथ। अब मुनव्वर को लेके आप ही क्या राय है? मेरी कोई राय मुनव्वर को ना दूँ तो ही बेटर है, क्योंकि मुनव्वर खुद खुश हो रखे हैं फिलहाल, डल हो चुके हैं, बोरिंग हो चुके हैं, फ्लैट लाइन है वो जो करार दिए गए हैं, जिनका खुद का कोई गेम नहीं है। आई डोंट सी हिम एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं शो में। और जैसा कि बिग बॉस में दिखाया गया कि खानजादे और अभिषेक का कोई एंगल था मतलब शो नहीं, में? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता, मुझे बहुत फेक लगता था उनका एंगल, वो बहुत मेडअप एंगल था कि चलो हाँ शो के लिए कर लेते हैं, बट ऐसी कोई म्यूचुअल फीलिंग मुझे नहीं लगती। नील को आप कितना मिस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, ऑफकोर्स मेरा हस्बैंड है तो मैं मिस तो करूँगी उसको, बट ही इज़ देयर, आई वांट हिम टू विन। एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे नील को? नील को जस्ट बी स्ट्रांग एंड डू वेल, बी वोकल अबाउट एवरीथिंग इज आई ऑलवेज से, चुप मत बैठना, किसी को सुन के मत लेना, ईट का जवाब पत्थर से देना बस। और टॉप थ्री में आप किसको किसको देखते हैं? किसी को नहीं, मैं सिर्फ नील को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। एंड आयशा के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ एक ही एक सवाल का जवाब देके, क्योंकि क्या ही बोलूँ, वो आई क्या थी और हो क्या गई, अब ये वो ही जाने उनका क्या गेम है। एंड राइडर आपके पास भी रहते थे और अंकिता के पास भी रहते थे, तो क्या लगता है किसके सच्चे दोस्त होंगे वो? वो अंकिता विक्की के ही सच्चे दोस्त थे अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि वो हमेशा से क्लियर रहा है कि मेरा अंकिता से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, एटलीस्ट उसने ये तो झूठ नहीं बोला मुंह पे, तो ठीक है। लास्टली अपने फैंस के लिए क्या कुछ? थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा कि आपका इतना प्यार मिला मुझे, अब ये सारा प्यार आप प्लीज़ नील को सपोर्ट करने के लिए लगाइए, मैं जस्ट विश करती हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, थैंक यू। I'm एक चैनल आई डी सिने स्पीक्स। हाई, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू।